हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी सिम्टम्स हर महिला जानना चाहती है ताकि वो अपनी प्रेगनेंसी को जल्दी से जल्दी प्रेडिक्ट कर सके। तो प्रेगनेंसी सिम्टम्स को कैसे जाने, कौन से सिम्टम्स जल्दी आते हैं, कौन से सिम्टम्स लेट आते हैं, ऐसे ही कुछ सिम्टम जो कि आपकी जिज्ञासा को पूरी तरह से शांत करेंगे आज मैं बताने वाली हूँ, और वो टाइमलाइन के साथ में है। प्रेगनेंसी के पहले महीने में हफ्ते दर हफ्ते, पहले दूसरे तीसरे और चौथे हफ्ते में कौन कौन से सिम्टम कब कब महसूस होते हैं, ये हम आज जानने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें। अधिकांश महिलाओं को प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जिनमें कि प्रेगनेंसी सिम्टम्स बहुत देर से नजर आते हैं, शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते, और कई बार बहुत माइल्ड, बहुत हल्के प्रेगनेंसी सिम्टम्स हमको मालूम पड़ते हैं। तो आज का वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कौन कौन से लक्षण आपकी प्रेगनेंसी को शुरू से ही दर्शाना चालू कर देते हैं। तो आइए जानते हैं पहले महीने के पहले हफ्ते के कुछ खास प्रेगनेंसी सिम्टम्स जो एक महिला गर्भधारण करने के तुरंत बाद महसूस करती है। तो पहले हफ्ते के खास सिम्टम्स में सबसे पहली चीज है बहुत ज्यादा थकान होना। इस समय आपकी बॉडी नॉर्मल से कुछ ज्यादा काम कर रही होती है, तो थकान होना, बहुत ज्यादा नींद का आना, एकदम से आपकी भूख में चेंजेस आ जाना, आपको काफी तेज भूख लगने लगना। भूख का मतलब ये नहीं कोई एक ही स्पेशल चीज खाने का आपको मन करना, ओवरऑल आपकी हंगर, ओवरऑल पूरी तरह से जो आपकी भूख है वो बढ़ जाती है। फूड क्रेविंग, किसी एक चीज की क्रेविंग जनरली पीएमएस के सिम्टम्स में बढ़ती है, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपकी भूख अनयूजुअली बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपके ब्रेस्ट में आपको थोड़ा भारीपन, थोड़ा टेंडरनेस, हल्का फुल्का टेंडरनेस आपको आना चालू हो जाता है। तो ये है पहले हफ्ते के लक्षण। देखते हैं कि दूसरे हफ्ते में एक महिला क्या अनुभव करती है। दूसरा हफ्ता बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आता है, क्योंकि दूसरे हफ्ता लगते लगते महिला की डेट, पीरियड डेट आ चुकी होती है, और इस हफ्ते मिस्ड पीरियड एक काफी खास लक्षण होता है प्रेगनेंसी का। मिस्ड पीरियड के साथ में कई महिलाएं महसूस करती हैं कि उनको हल्की फुल्की स्पॉटिंग हुई है, पीरियड नहीं आया लेकिन पीरियड के बजाय उनको हल्की फुल्की स्पॉटिंग हुई है, तो ये भी प्रेगनेंसी का एक बहुत ही खास लक्षण है, जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जब गर्भ ठहरता है तो हल्की सी ब्लीडिंग स्वाभाविक है, लेकिन सर्वे में ऐसा देखा गया है कि 70% तक महिलाएं ही इसको एक्सपीरियंस कर पाती हैं। सभी महिलाओं को जरूरी नहीं कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो, और जरूरी नहीं कि अगर हुआ है तो वो नजर आए। इस हफ्ते धीरे धीरे आपके मूड के फ्लक्चुएशंस, यानी कि मूड में उतार चढ़ाव बना रहेगा। कभी आपको काफी पॉजिटिव, काफी सकारात्मक महसूस होगा, कभी आप काफी अपने आप को डिप्रेस्ड और लो फील करेंगी। इसके अलावा आपको हेडेक रहना, जनरली आपको ऐसा सर दर्द नहीं होता, लेकिन ऐसे में आपको हल्का फुल्का हेडेक हो सकता है। ब्रेस्ट की टेंडरनेस और बढ़ जाएगी, ब्रेस्ट में आपको और ज्यादा भारीपन नजर आने लगेगा। साथ ही ब्रेस्ट की जो नसें हैं वो आपको कुछ ज्यादा नीली सी, उभरी हुई सी महसूस हो सकती है। तो ये थे दूसरे हफ्ते के सिम्टम। अब हम देखते हैं कि तीसरे हफ्ते में एक महिला क्या महसूस करती है। तीसरे हफ्ते में यूरिन की फ्रिक्वेंसी, यानी कि आपको बार बार यूरिन आ सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी में बहुत तेजी से काम चल रहा होता है, और ब्लड का सर्कुलेशन शरीर के अंदर, खून का दौरा बहुत तेजी से है, तो किडनीज भी एक्स्ट्रा काम कर रही हैं और ब्लड से यूरिन फिल्टर हो रहा है, तो आपको बार बार यूरिन आ सकता है। महिला को वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, जो कि प्रेगनेंसी का एक बड़ा ही खास सिम्टम है। प्रेग्नेंट होते ही महिला के शरीर को इन्फेक्शन से बचाने के लिए बॉडी डिस्चार्ज रिलीज करती है ताकि प्रेगनेंसी सुरक्षित रह सके। मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि सुबह सुबह आपका जी खराब होना, नौजिया की प्रॉब्लम, और बहुत तेज स्मेल सेंस, स्मेल की जो सेंस है, आपको खुशबू चीजों की, जो आपके आसपास जो चीजें हैं उसकी बहुत तेज सेंस आपको डेवलप हो जाएगी। साथ ही इस समय आपको बैक एक, पीठ में, कमर में दर्द रह सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे तीसरे हफ्ते के सिम्टम। अब हम बात करते हैं कि महिला चौथे हफ्ते में, जब महिला को एक महीने गर्भ होने वाला होता है, तब महिला कैसा महसूस करती है। चौथा हफ्ता जब महिला को लग जाता है तो लोअर एब्डोमेन में, यानी कि नाभि से नीचे का जो हिस्सा है उसमें कुछ टाइटनेस, कुछ फुलनेस सी उसको महसूस होगी, जो कि जनरली नहीं होती है। ये इसलिए होता है कि यूट्रस धीरे धीरे एक्सपेंड होगा। ये इसलिए होता है कि यूट्रस की मसल्स अब तैयारी कर रही हैं एक्सपेंड होने की, और
इस समय आपको फूड एवर्जन हो सकता है, यानी कि कुछ ऐसे फूड हैं जिनकी खुशबू से आपको बहुत ज़्यादा मन खराब होगा, जैसे कि कभी तड़का लग रहा हो या कभी किसी सब्जी के फ्राई करने पे गार्लिक की अनियन की स्मेल आपको बहुत तेज लग सकती है। इस समय आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी शुरू हो सकती है। कई महिला इस समय डिजीनेस यानी कि हल्के फुल्के चक्कर भी एक्सपीरियंस करती हैं। आपका वाइट डिस्चार्ज जो पहले स्टार्ट हो चुका था वो थोड़ा थोड़ा बना ही रहेगा, कई बार ज्यादा भी हो सकता है। साथ ही आपको हर्ट बर्न गले जलने की भी प्रॉब्लम रह सकती है। जनरली भी बैठे उठे बिना कुछ ज्यादा काम किए भी अगर आपकी सांस फूलती है तो ये भी एक प्रेगनेंसी सिम्टम माना जाता है। तो फ्रेंड्स, लगभग हमने 20 शुरुआती प्रेगनेंसी सिम्टम्स को जाना, लेकिन सभी महिलाओं में एक ही तरीके से सिम्टम्स नहीं आते। किन्हीं महिलाओं में बिल्कुल नहीं आते, किन्हीं महिलाओं में बहुत देरी से आते हैं, किन्हीं महिलाओं को कुछ सिम्टम मालूम चलते हैं। सारे सिम्टम्स हर एक महिला को नहीं मालूम होते, लेकिन हाँ, जितने भी सिम्टम्स मैंने बताए ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। और अगर आप गर्भधारण की तैयारी कर रही हैं, आपकी डेट मिस हो गई है, तो आपको अपने सिम्टम्स पे नजर रखनी चाहिए और अपनी प्रेगनेंसी की केयर करनी चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी सुरक्षित रह सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब मॉम चैनल पे भी जरूर फॉलो करें और इस तरह मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।